वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर छिड़े विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मस्जिद परिसर में उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया जहां हिंदू पक्ष के अनुसार एक शिवलिंग पाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को वहां नमाज अदा करने से न तो रोका जाएगा और न ही कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। इस मामले में 1991 के एक्ट का उल्लंघन हुआ है और देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर ओवैसी काफी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का आदेश गलत, अनुचित और अवैध था। AIMIM चीफ ने आगे कहा कि वह ज्ञानवापी सर्वे का विरोध करते हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है और कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है। ओवैसी कोर्ट कमिश्नर पर भी अपनी आपत्ति जताई। इससे पहले सोमवार को ओवैसी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग उनसे सवाल करते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने अपना जमीर नहीं बेचा है और न ही कभी ऐसा करूंगा। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं केवल अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी आयोगी से नहीं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में गुजरात में की गई सभा का एक वीडियो टैग किया। इसमें उन्होंने कहा कि जब मैं 2021 साल का था तब बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम 1920 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। In my opinion, a grave procedural unfairness has happened because the commissioner had not given a report to the district, to the lower court judge. Petitioner moves an application, and before even the notice is given to the Muslim side, the honorable judge passes an order to protect that area, that so-called thing called shivling, which is not there, it is a fountain, and then limiting the namazis to 20. So that trial court order is completely wrong. It is unfair, and we hope that on the next date of hearing, which is going to be held on the 19th, the Supreme Court will recognize the grave procedural unfairness in A, ignoring 1991 Act, B, the Allahabad High Court stay of 1998, C, appointing of the commissioner ex parte, D, ordering and sealing without hearing of the other party. So these are the four things which we hope that on the next date of hearing the Supreme Court will take note of it. But as I have told you earlier, the order of the trial court is completely wrong, unfair, illegal, which we hope that